हैप्पी होली फ्रेंड्स। तो आज फिर होली स्पेशल एक मिठाई में बना रही हूँ, तो आप लोगों को शायद बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत रसीली ये मिठाई बनी है, तो चलिए बनाते हैं इसे। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी। तो मैंने 1 कप चीनी ली है, पैन में डाल दी है, गैस चालू कर दिया है, और उतना ही मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और इसे चीनी घुलने तक अच्छे से पकाना है, और जैसी इसकी चाशनी चाहिए रहेगी, वैसे मैं आगे आपको बताती हूँ कि इसकी चाशनी हमें कैसी चाहिए। अभी ये मैं ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ, आपके पास केसर के धागे तो वो भी आप डाल सकते हैं। और ये मैंने डाल दिया है इसमें, अभी चाशनी हमारी होने को आई है, तो मैं आपको हाथ से चेक करके बता रही हूँ कि इसे कैसे ये चाशनी हमको चाहिए। तो ये देखिए, एक तार की चाशनी जैसे होती है ना, थोड़ी सी चिपचिपी और गाढ़ी चाशनी, वैसी ये हो गई है। इसे ढक के रख देंगे, और अभी हम आटा बांध लेंगे इसके लिए। तो मैंने 1 कटोरी आटा लिया है, जितने मेंबर हैं आप ज़्यादा बनाते तो ज़्यादा लीजिएगा। डेसिकेटेड नारियल डाल दिया 2 चम्मच, ये सफ़ेद तिल डाल दिया है मैंने, और इसे मिक्स कर देंगे। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पिंच के लगभग नमक, और इसे भी मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा अभी इसमें हम डालेंगे मोइन के लिए घी, तो घी आपको हिसाब से डालना है, ज़्यादा डाल दिया तो ये तेल में भी बिखर जाएंगे फ्राई करते टाइम, और पानी इसमें चाशनी में भी बिखर जाएंगे। तो मोइन बहुत ध्यान से डालना है, और देखिए इतना चाहिए हमें मोइन की, इसका हाथ मुट्ठी बांधे तो ये बन जाए। इतना घी बच गया, इसे साइड में रख दूंगी। अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका सेमी सॉफ्ट डो बना लेना है। आटा हम गूंद लेंगे इसका अच्छे से, ज़्यादा लूज भी नहीं चाहिए, पतला भी नहीं चाहिए, और ज़्यादा सख्त भी नहीं चाहिए ऐसा इसका आटा। और बहुत इसको मसल के बनाना है, ताकि जो भी हम मिठाई बना रहे हैं ना, वो बहुत ही रसीली और अच्छी बने। तो ये ढक के रख देंगे अभी इसे, और अभी इसके लिए हम बनाएंगे साटा। तो साटा अगर आप बनाना चाहें तो बनाएं, नहीं तो फिर वो लंबा प्रोसीजर की, जैसे चपाती बनाई उसके ऊपर घी लगाया, फिर सूखा आटा लगाया, फिर उसके ऊपर दूसरी रोटी रख के घी लगाया, फिर सूखा आटा, तो ये लंबा प्रोसीजर है। इसलिए साटा बना लें तो थोड़ा टाइम हमारा बच जाता है। तो ये मैंने साटा बना लिया है, घी और 2 चम्मच इसमें गेहूं का आटा डाल के। तो जिसकी मैं मिठाई बना रही हूँ वो भी गेहूं का आटा है, आप मैदा भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। तो ये साटा बन के रेडी है, अभी इसे रखेंगे, और ये आटा हम देख लेंगे। तो इसे वापस मैं 1-2 बार मसल के अच्छे से सॉफ्ट कर लूँगी, चिकना कर लूँगी। तो ये हो गया है, अभी इसका मैं रोल बनाऊंगी। रोल इसलिए बना रही हूँ कि इसे कट करेंगे ना तो ये इक्वली कट होंगे, जैसे हमको लोई चाहिए ना गोल गोल पेड़े, वैसे इसके बराबर कट होंगे। आप चाहे तो इसे हाथ से भी कट कर सकते हैं, लोई मतलब निकाल सकते हैं, लोई है इसकी, लेकिन मैंने चाकू से कट कर लिया और ये बराबर हो गई है। अभी सब की इस मैंने पेड़े बना लिए हाथ से, और इसे रख दिया है साइड में, तो सब बन चुके हैं। अभी एक एक ये पेड़ा लेंगे और इसे बेल लेंगे। तो आप सूखा आटा या घी तेल जो भी लगा के आप बेल सकते, बेलिएगा इसे, और एकदम पतली सी बेलनी है, तो मैंने बहुत पतली बेल ली है। और ये तिली जो ज़्यादा गिर गई थी इसमें, उससे फिर इसमें कहीं कहीं होल भी हो गया, तो वो कोई बात नहीं, हम रोटी पे रोटी रखेंगे तो वो पैक हो जाएगा वैसे भी। तो ये रोटी मैंने सब बना ली थी, अभी मैंने एक रोटी रख दी है, और उस पर ये साटा लगा रही हूँ। तो मैं चम्मच से नहीं, हाथ से लगा रही हूँ, आप चाहे तो चम्मच ब्रश या हाथ से भी लगा सकते हैं। अभी उसके ऊपर दूसरी रोटी रख दी है, और ऐसे ही दूसरा इस पे मैं साटा लगा रही हूँ। ऐसे ही सब रोटियां एक के ऊपर एक रख देनी है, ज़्यादा जोर से प्रेस नहीं करना है, नहीं तो इसमें लेयर नहीं आएगी जो हम बना रहे हैं। और देखिए इसे ऐसे रोल करना हल्के हाथ से, और इसे गोल गोल करते जाना है। हमने साटा लगाया है तो ये थोड़ा खुलने का भी इसका ये रहता है कि ये खुलता है थोड़ा थोड़ा, तो अच्छे से प्रेस मतलब ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, कुछ बोलना और कुछ चाहती हूँ निकल कुछ और जाता है मुझसे। और इसकी भी छोटी छोटी लोई, जैसा आपको जो बनाना है, शेप देना है स्वीट का, वैसा आप बना लीजिएगा। तो मैंने छोटी छोटी इसकी लोई कर दी है, अब मैं बना रही हूँ इसका हार्ट शेप दे रही हूँ। तो आपको जो शेप देना है उतना बड़ा आप कट कीजिएगा। और ये मैंने एक हार्ट शेप बना दिया है, आपको बता दिया है, बहुत आसान है, और ज़्यादा प्रेस नहीं करिएगा, नहीं तो इसमें लेयर नहीं आएगी। तो ये हमने एक बना दिया है ऐसा ही, ये दूसरा भी आपको बता रही हूँ, बहुत इजी है, इसीलिए मैंने ये चूज़ किया है कि ये शेप में बना लूँगी, बहुत जल्दी बन भी जाएगा ये। और ये सब बन गए हैं, अभी चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया था, लेकिन तेल अभी ठंडा है, एकदम गर्म तेल में हम इसे नहीं डालेंगे। देखिए बिल्कुल भी बुलबुले नहीं आ रहे मैंने इसमें डाला है, तो क्योंकि गर्म तेल लेंगे तो ये बाहर से तो बहुत अच्छे से पक जाएंगे, लेकिन अंदर से बहुत कच्चे रहेंगे, और इनमें चाशनी भी नहीं जाएगी, और ये ऐसे क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो ये मैंने इसमें डाल दिए, और अलटते पलटते इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है गोल्डन होने तक। तो ये देखिए अच्छे से ये क्रिस्पी हो गए हैं, और ये हमारे हार्ट बन के रेडी हैं। तो इन्हें मैं निकाल लेती हूँ,
और जो चाशनी रखी थी उसे मैंने थोड़ा सा गर्म किया है क्योंकि वो ठंडी हो चुकी थी, तो एक एक हाथ इसमें डाल देंगे ये हमारे बनाए हुए। और इन्हें मैं ढक के 15 मिनट तक ढक के रखूंगी ताकि एक साइड से चाशनी अच्छे से सोख कर ले। और अभी मैं इन्हें पलट दूंगी और पलटने के बाद फिर से मैं इसे 15 मिनट ढक के रखूंगी ताकि इसमें चाशनी अच्छे से चली जाए। एक उठा के भी आपको दिखा रही हूँ, तो ये देखिए अभी जो नीचे चाशनी टपक रही, तो आप सोचते होंगे नीचे गैस के पास चाशनी टपक रही, लेकिन नीचे प्लेट रखी है। और ये मैंने चाशनी ये सब निकाल लिए हैं चाशनी में से और ये रख दिए हैं फ्रेंड्स। इस पे डाल रही हूँ मैं डेसिकेटेड नारियल थोड़ा सा और रोज़ के पत्ते डाल रही हूँ, तो आप देखिए मिठाई कितनी अच्छी लग रही है। तो बहुत टेस्टी और बहुत रसीली मिठाई बनी है। तो आप लोगों को ये मिठाई की रेसिपी कैसी लगी है फ्रेंड्स, होली स्पेशल? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो कल फिर आती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।